सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। इसी हाल आज हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को पाला पोसा, यूपी विधानसभा में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के बहुत चर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या मामले में आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहमति और असहमति होती रहेगी, मगर अपराधियों को किसने बढ़ाया, ये जो अपराधी और माफिया है आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं, क्या ये सच नहीं है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज है उन्हें समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया था। आप अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं, हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से गोली चलना, बम चलना और गैंगवार की तरह दिखना, ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। ये रामराज्य है जहां खुलेआम बंदूकें चल रही है, पुलिस पूरी तरह से विफल है और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया, अगर ये किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो क्या स्थिति होती, इसका मतलब जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले। आप क्या पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं? आपको बता दें कि राज्यपाल बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे और 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल उस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राज्यपाल की हत्या में मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद है, जो गुजरात की एक जेल में निरुद्ध है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी साइता परवीन से भी इस मामले में पूछताछ की है। अतीक के दो बेटों सहित एक दर्जन पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी है। साथ ही अतीक अहमद गैंग के कई शूटरों पर पुलिस की नजर है। इस घटना में पूर्वांचल के शूटर्स भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। CCTV फुटेज में दिखे शूटर्स में से एक शूटर की शक्ल लोकल शूटर से मेल खा रही है और अब इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा था तो अब यूपी विधानसभा में योगी ने इस पर जवाब दिया है और कहा कि इसके पालन पोषण करता तो समाजवादी पार्टी ही रही है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।